Hello everyone, I'm Dr. Farah Engle. I'm a senior consultant physician diabetologist and director of internal medicine, Fortis Hiranandani Hospital, Vashi, Navi Mumbai. Now this is about a young chap, Mukul Tyagi, who was admitted under me recently, and he was admitted for about 10 days under me. He had come in a very bad shape. Jab patient aaya tha, young chap, he had come with very high fever, 106 degree temperature था, उनको blood vomiting थी, hematemesis था, he was very toxic, he was breathless, उनकी pulse rate बहुत high थी, उनका temperature 106 था, respiratory rate was around 20, और he was not able to even talk and sit properly, he was feeling too weak, he had body aches, headaches, जो भी typical symptoms रहते हैं viral fever के, वो सब symptoms के साथ on top of that vomiting of blood. जब patient आया हमने casualty में immediately देखा patient को, hospital full चल रहा था, ICU में bed नहीं था, तो मैंने challenge लेके ward में patient को admit किया. Actually अगर देखा तो ऐसे patient को हम लोग ICU में रखना prefer करते हैं, because उनको बहुत close monitoring लगता है, time to time investigations करते रहना पड़ता है, and accordingly adjust करना पड़ता है medications को. वार्ड में हमने एडमिट करके रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इमीडिएटली भेज दिया. माय टीम वाज ऑलवेज देयर विथ हिम, मॉनिटरिंग हिम वेरी क्लोजली. स्टाफ को भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया था. एंड देन व्हेन वी गॉट द रिपोर्ट्स, ही वाज ऑलरेडी डायग्नोस्ड एज डेंगी. प्लेटलेट्स बहुत कम थे. ही हैड वेरी हाई फीवर, ही वाज टॉक्सिक लुकिंग, ही वाज पल्स वाज वेरी फास्ट. इनफैक्ट जब वायरल फीवर्स होते हैं तो यूजुअली पल्स रेट लो रहता है, बट बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई था तो पल्स रेट वॉज वेरी फास्ट, हिज रेस्पिरेटरी रेट वॉज वेरी फास्ट एज आई टोल्ड यू. फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्लस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. वैसा तो डेंगी वायरल फीवर है, उसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं रहता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है. बट पेशेंट हैड कम विथ हेमेटेमेसिस, सो वी हैड गिवन हिम ऑल द नेसेसरी ट्रीटमेंट. And then slowly, slowly, his condition started improving. His platelets started coming up. His bleeding had stopped. We had not even given him platelet transfusion. Actually speaking, अगर डेंगी के पेशेंट को ब्लीडिंग है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन जब हमने उनका हाइड्रेशन प्रॉपर रखा, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बाद में उनका ब्लड वॉमिटिंग बंद हो गया, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी हमने उनको नहीं दिया. बिकॉज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में भी अपना रिस्क रहता है, इट्स अ ब्लड प्रोडक्ट, इट कैन ट्रांसमिट मैनी इलनेसेस, इवन दो वी चेक एंड गिव, बट वेन द प्रॉब्लम लाइक वी डू द टेस्ट इन इनक्यूबेशन पीरियड या लेटेंट पीरियड, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम बींग देयर, इट मे नॉट कम पॉजिटिव ऑन द टेस्ट. सो वी अवॉइडेड दैट एंड स्लोली स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर. एक दो दिन में ही फीवर कम होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग तो एक दिन में बंद हो गया, पल्स एंड बी पी सेटल हो गया, रेस्पिरेटरी रेट बेटर हो गया, ही स्टार्टेड ईटिंग. मैं 1 वीक पहले यहाँ पे एडमिट हुआ था क्योंकि मुझे डेंगी हो गया है, और लाइक जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे 106 फीवर था, ब्लड वॉमिटिंग था, बहुत कुछ था. एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे जो स्टाफ है, यानी कि यहाँ के डॉक्टर्स, जैसे डॉक्टर फरा, फिर जो यहाँ की नर्सेज हैं, इनफैक्ट डॉक्टर ज्योति टू, एंड यहाँ की नर्सेज, यहाँ का स्टाफ जो ग्राउंड स्टाफ रहता है, इवन दे ऑल ऑफ देम टुक केयर ऑफ मी रियली रियली वेल, एंड दे टुक केयर ऑफ मी सो मच दैट आई जेन्युइनली आई यूज टू कॉल देम 15 टाइम्स अ डे, 20 टाइम्स अ डे. एंड एज अ पर्सन, आई एम अ यंग पर्सन, आई हैव नेवर बीन एडमिटेड बिफोर मच, इनफैक्ट इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट एडमिटेड. So it was very weird for me to call someone 20 times a day just, you know, for mild assistance. But they were so supportive, they had so much care that the time I had here, us wajah, matlab wo pura time bahut acche se guzra, bahut acche se unhone mera treatment kiya. And jab main yahan pe aaya tha us time pe mera platelet sab kuch itna kharab tha, wahan se abhi jo main hu, like इस एक वीक के ड्यूरेशन में अभी ऐसा फील हो रहा है दैट आई एम नॉट इवन सिक. बट जब मैं आया था
आई कुड बेयरली वॉक, मेरे से चलने में प्रॉब्लम हो रहा था. और अभी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलीव दैट आई चोज दिस हॉस्पिटल, बिकॉज आई इन माई ओपिनियन हेल्थ इज वेल. सो दिस इज द मानसून रिलेटेड इलनेस. We have lots of problems seen, and we see lots of problems during monsoon season, like protozoal infection mein malaria aur dengue aata hai. Leptospirosis is one monsoon related illness. When we see lots of gastroenteritis cases, we are seeing lots of influenza cases this season, and especially dengue ka agar dekhe to it the mosquitoes which spreads dengue vector is mosquito, which is Aedes mosquito, and that grows on clean water inside your house. So don't let stagnant water or accumulated water be there in your house. You should keep your buckets, pails and all empty, and don't let the water accumulate, because they breed on that water. And if you have any symptoms, jaisa weakness lag raha hai, fever hai, body ache hai, rashes hai body pe, joint pains hai, back pain hai, jo bhi symptom hai, immediately report to the doctor, get yourself checked and start the treatment. Kyunki agar delay karte hai to complications ho jate hain.